अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसकी प्रिवेंशन के लिए फेस मास्क लगाया जाता है। मार्केट में फेस मास्क इजीली अवेलेबल भी नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत महंगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्हें कैसे बना सकते हैं घर पर। सबसे पहले आप ये देखें तो हमारे पास ये बैग है, क्लॉथ बैग है, जिसे फिल्टर बैग भी कहते हैं। देखें तो ये आपको किसी भी बेकरी की दुकान से इजीली इस वक्त अवेलेबल मिल सकता है आपको। उसके साथ ये देखें तो ये धागा है सीने के लिए लेंगे हम, और ये सीज़र है, और ये कुछ इलास्टिक है जिसे हम साइड पर लगाएंगे, और ये जो है हमारे पास इस्त्री है जी। तो दोस्तों, अब इस बैग को हम पहले हम नीचे से कट करेंगे और फिर हम ये ऊपर से कट करेंगे, क्योंकि नीचे इसके बाइंडिंग हुई हुई है तो वो बाइंडिंग हटाना लाजमी है। तो चलें इसे कट करते हैं। ये देखें, अब हमारा बैग ऊपर से भी खुल गया और नीचे से भी खुल गया। अब हम इसे एक साइड से भी कट करेंगे, यहाँ से कट कर लें या उस तरफ से कट कर लें, कोई इशू नहीं है। इस बैग से आप कम से कम दो मास्क बना सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा अब इस तरह का कुछ बैग लग रहा है, इस तरह का एक शीट बन गई है क्लॉथ की। तो ये वाला हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे, इतना हिस्सा, और वो जो दूसरा है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस पे हम मेजरमेंट्स करेंगे। जो आइडियल मास्क का साइज़ होता है वो हमने नाप लिया है, अब उस हिसाब से हम इसकी मेजरमेंट्स करेंगे और निशान लगाएंगे, उसके बाद कट करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो आपने रखनी है 17 सेंटीमीटर, और जो इसकी लंबाई है मास्क की वो आपने रखनी है 15 सेंटीमीटर। ये एक आइडियल मास्क की मेजरमेंट है, बड़े या छोटे के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो चलें इसके निशान लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये जो आप निशाना देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मास्क की लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मास्क की चौड़ाई है। तो अब इसे हम कट करेंगे। ये हमने स्केल की मदद से निशान लगाए हैं इस तरह। चलें इसे कट करते हैं।
जी दोस्तों, अब हमने इसकी चौड़ाई भी काट दी है। तो ये देखें, ये एक साइड से इस तरह बंद रहना चाहिए। अगर आप इस साइड से भी काट देंगे तो फिर आपको ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा क्लॉथ को। चलें अब हम बताते हैं कि इसके अंदर अब हमने क्रीज किस तरह बनानी है। इस तरह आपने ओरिजिनल मास्क में भी चुन्नटें होती हैं, इस तरह इसमें भी 3 चुन्नटें डालेंगे हम इसमें। इस तरह देखें, ये क्रीज बनानी है। इस तरह हमने इस तरह बैग को पकड़ के, और इस तरह आपने हाथ भी फेर देना है। आपने इस फेस मास्क को थोड़ा सा गीला भी कर लेना है पानी से, ताकि जब हम इसके ऊपर इस्त्री लगाएं तो इसकी जो क्रीज है वो बिल्कुल अच्छी बने, प्रॉपर बन जाए। ये देखें किस तरह इसकी चुन्नट बन गई है, इसी तरह आपने बिल्कुल बनानी है। चलें अब दो और बनाते हैं इसमें। सबसे मुश्किल वाला काम आपसे यही होगा, क्रीज बनाना इनकी। ये अगर आपसे बन गई तो फिर मास्क आपका रेडी है बिल्कुल। फिर आपने इनके इर्द गिर्द बॉर्डर्स पर सिलाई करनी है और साइडों पे इलास्टिक लगाकर फिर आपका मास्क तैयार है। ये दोस्तों देख सकते हैं, हमने इसको सिलाई कर ली है, इसकी कितनी अच्छी तरीके से क्रीज बन चुकी है, ये देखें। और इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से सिलाई करनी है, देखें ये बैक साइड पे। इसको अंदर मोड़ कर तो आपने चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। और ये जो इसका इलास्टिक है, एक हिस्से को इधर लगाना है, ये देखें, एक हिस्से को इधर सिलाई करना है और दूसरे को नीचे, दोनों तरफ इस तरह ही करके। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मास्क तैयार हो गया घर पर ही, ये देखिए दोस्तों। एंड पर मैं आपको यही कहूँगा कि मास्क, हैंड सैनिटाइज़र ये सब पहनकर और लगाकर बाज़ार जाएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार ना जाएं, ताकि आप सेफ रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।